दो हज़ार चौदह पंद्रह का टाइम आपको याद है जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और हम लोग उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि यार हम लोग उस ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं न्यूज़ हमारे पास आते नहीं है छापे जहाँ पर लग रहे हैं छापे छापे का थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली उस वक्त जो है ना काफ़ी सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते थे जो कि बाहर के क्रिएटर्स को एग्जैक्टली exactly डिटो कापी ना उनका कॉन्टेंट छापते थे छापना होता ही है कि एक तो एक आइडिया आ गया और हमने आइडिया के इर्द गिर्द पूरी सिचुएशन चेंज कर दी एक वो होता है कि फ्रेम टू फ्रेम अगर उसने विक पहनी हुए किसी गोरे ने तो मैंने भी विक पहनी हुई है अगर कोई झाड़ू वो वो वैक्यूम क्लीनर के थ्रू साफ कर रहा है तो मैंने भी वो इस हाँ। चीज़ इस्तेमाल की डायलॉग भी सेम सो so, वो जब चीज होती है ना उसके अंदर फिर हम लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट होते थे उस जमाने में मैं तो बहुत ज्यादा होता था फॉर एग्जाम्पल हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मैं और मानिए हम लोग बैठे हुए सोच रहे हैं कॉन्टेंट आइडियाज तीन तीन चार चार दिन लग रहे समझ नहीं आ रहा कि यार क्या वीडियो बनाए और वीडियो पे व्यूज भी नहीं आ रहे और उधर किसी ने कोई छापा मारा और दस मिलियन व्यूज पंद्रह मिलियन व्यूज ख्वाब था हमारा यार <laughs> नहीं मैं तो अभी भी डिप्रेस होता हूँ छापा मार ले वो जी टीवी ने ना पूरी स्क्रिप्ट पूरी स्क्रिप्ट ही छाप दी थी ना उन्होंने तो कौन सी वाली आ, वो अम्मी के साथ जो था मेरा वो रियलिटी टीवी स्पूफ वाला हाँ। हा, हा, हा। उन्होंने तो पूरा ए टू जी वो सारी स्क्रिप्ट क्या नाम है मैं, मैं, तो कि लेकिन जी टी वी वाले बड़े ढीट थे आपका क्या ओपिनियन छापने और इंस्पिरेशन पर आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे होता गया? क्या क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है तो यंग क्रिएटर्स जितने भी हैं एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी ना उनको समझाना यार yeah, देखो हो इंस्पायर होना एक अलग बात है आप बिल्कुल ए टू जी उसकी चीज कॉपी कर लो और फिर डेट हो जाओ कि नहीं जैसा अभी मैं हमारी डेट मतलब <laughs> नहीं कर लो जो करने को एक है। भाई साहब हाँ एक कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने क्या किया पूरा एक तो ना तो सिर्फ वीडियो पूरी छाप दी कंटेंट का नाम भी पाद रख दिया है और आगे बहुत से बहुत क्रिएटिव बहुत ज्यादा क्रिएटिव बंदा और आगे से मुझे कह रहे हैं कि ब्रो डू यू हैव कॉपीराइट तो ये होता है ढीठ कर लो जो तो बदतमीजी मैंने कहा एक तो छापा ऊपर मैंने लिटरली ये लिखा था कमेंट में एक तो छापा ऊपर से बदतमीज भी तो एक तो चोर ऊपर से बदतमीज उसने ब्लॉक कर दिए है <laughs> दूसरा होता है इंस्परेशन जिस आरजू की अभी हम बात भी कर रहे थे उसने बड़े प्यार से मैसेज किया कि अली भाई ये आपकी स्टाइल मुझे पसंद है कि मैं भी इसी स्टाइल में, तो में बना लूँ उन्होंने ठीक है बना लें आपका अपना जोक हो आपका अपना एक हो देखिए रियलिटी टीवी के स्टाइल के कितने चल रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है वो हर चीज़ अलग अलग होती है एग्जीक्यूशन हाँ मुख्तलि ज़रूरी है ट्रैवल ब्लॉग अब हर कोई कहता है एक बंदा ट्रैवल ब्लॉग कर रहा है दूसरा कि ये क्यों कर रहा है मैं ट्रैवल ट्रेवल कर ही रहा हूँ तुम किधर जा रहे हो तो वो एक एक पैटर्न एक जो जॉनरा है एक स्टाइल है वो तो कर सकते हैं आप लेकिन बिल्कुल ही ना उसके हर चीज उठा लें जो उसने सोच के बनाई है अब मैं पता नहीं कितने हफ्ते लगा के मैंने एक चीज सोची हो कि अच्छा ये पंच लाइन आनी चाहिए वो कोई एक ही दिन में उठ छाप ले एक तो सेकंड में छाप ले दुख होता हां आई एग्री विद दिस ऐड जी अनुरोध जी ये हमारा बिजनेस है ना हम इसी से तो पैसे बना रहे हैं तो अगर तो आप के, किसी के बिज़नेस कोई अब चोरी है सीधी सीधी आप चोरी कर रहे हैं किसी का सामान तो फिर जाहिर है जो बिज़नेस बंदा कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि आप उसकी चीज़ खींच रहे हो जो कि आपकी नहीं है आप किसी दुकान पे जाके कोई चीज़ उठा तो नहीं ना सकते ट्रैवल ब्लॉग्स तो चले कोई निकाल रहा है कॉपी जितना भी कर मतलब कॉपी आप उतना उसको कर भी नहीं सकते ना क्या करोगे कुछ ना कुछ अपना आपका फ्लेवर आ ही जाता है लेकिन जहाँ तक स्किट्स की बात है ना स्किट्स में स्किट्स में बहुत मेहनत लगती है हमने स्किट्स बनाए और और हमने व्लॉग्स भी बनाए और हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं मेरी नज़र में स्किट्स मुश्किल तरीन काम है कंटेंट क्रिएशन में और उसकी रिक्शन भी उतनी ही कम है अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्या हो जाए लेकिन कभी पहले एक जमाने में बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा अब वो फिर देखते हैं क्या होता है आगे लेकिन <laughs> ये लेकिन ये है कि तीन तीन दिन लगते थे हम लोग को स्किट्स स्किट्स शूट का दौर जरा ऑलमोस्ट

उसको उस से कर उस लिहा लेकिन आपने किसी की कोई वीडियो देखी है उसके सारे डायलॉग्स आपने कॉपी करके दोबारा चला जो खुद ही आप कर रहे हो और वो आप लोगों को लगे क्या? वो आर जे नवेद ने स्टार्ट किया यही पात कास्ट करना अच्छा? मेरे बाद। अब मेरी वीडियो पे के लोग कमेंट कर रहे होते ब्रो यूर कॉपिंग आर जे नवेद लाइक like, मैंने किया कॉपी उधर हो रही है और लोग मुझे कह रहे हैं तो तुम उसको कॉपी कर रहे हो इसी तरह वो एक और भाई है मैं नाम, अपने लेता, नाम नहीं लेता उनके कुछ आगे करने यार, you... हट जाए ना गुस्सा चढ़ता है बैठा हुआ और मैं सुकून में था हाँ। और तुमने आकर जो बात है ना गॉड यार वो गुस्सा चढ़ता है